नमस्कार दोस्तों, मैं अनुशीन वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में प्लेस ऑफ सोइंग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सेक्शन 15-20 में दिया हुआ है। एक बात आपको अच्छी तरह पता है कि हर वाद हर न्यायालय में नहीं लाया जा सकता, तो धारा 15 जो है वो एक सामान्य नियम आपको बताती है जो कि आपके सामने है। इस धारा के अनुसार हर वाद निम्नतम श्रेणी के मगर सक्षम न्यायालय में दायर किया जाएगा, यानी न्यायालय जो है वो हायरार्की में सबसे निचले पोजीशन पे आता हो, लेकिन उसे कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन उसके पास होना चाहिए। फिर सोच लीजिए, 7 धारा 15 एक सामान्य नियम की चर्चा करती है कि कोई भी वाद निम्नतम श्रेणी के लेकिन सक्षम न्यायालय में लाया जाना चाहिए, यानी हायरार्की में सबसे निचले पायदान में हो और हर तरीके से कॉम्पिटेंट हो सूट को एंटरटेन करने में। अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग प्लेस ऑफ स्विंग को जो कि सेक्शन 15-20 में दिया हुआ 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, अचल संपत्ति से संबंधित वाद जो कि धारा 16, 17 और 18 में दिया हुआ है। शरीर या जंगम संपत्ति यानी मोबाइल प्रॉपर्टी के प्रति रॉन्ग के लिए कॉम्पनसेशन के लिए वाद धारा 19 में है और अन्य वाद के बारे में धारा 20 में है। देखिए, धारा 16 ये कहती है कि वाद वहाँ लाए जाएंगे कि जहाँ के सब्जेक्ट मैटर लोकेटेड है, सिचुएटेड है। तो धारा 16 में ये बताया गया है कि ये परिस्थितियाँ और ये परिस्थितियाँ, अगर ये दोनों परिस्थितियाँ मौजूद हैं तो वाद वहाँ पे लाएंगे जिस कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन में ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। तो देखिए कौन कौन सा सिचुएशन है। पहला है कि अचल संपत्ति की रिकवरी का वाद, चाहे उसके साथ रेंट या प्रॉफिट जुड़ा हो या नहीं। दूसरा, इमूवेबल प्रॉपर्टी की पार्टीशन यानी अचल संपत्ति को विभाजन करने के लिए वाद लाया जाना है। तो तीसरा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के मॉर्गेज या चार्ज की अवस्था में उसके फोरक्लोजर, सेल, रिडेम्पशन यानी पूर्वबंद और विक्रय मोचन का मामला हो, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में किसी अन्य अधिकार या हित के अवधारण का मामला हो, जैसे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला इसके अंतर्गत आ सकता है, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में किसी रॉन्ग के लिए कॉम्पनसेशन का मामला हो, जैसे कि अचल संपत्ति पर ट्रेसपास का मामला इसमें आ सकता है, या फिर ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का वाद जो कि डिस्ट्रेंट यानी करस्थम और अटैचमेंट यानी कुर्की के अधीन है, अगर ये सिचुएशन अवेलेबल है। और ये सिचुएशन है तो इन सारी सिचुएशंस में हम लोग वहाँ वाद लाएंगे जहाँ पर की प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अच्छा, सेक्शन 16 के साथ एक प्रोविजो जुड़ा हुआ है जो आपके सामने है कि अगर विवादित संपत्ति डिफेंडेंट के द्वारा स्वयं या उसके लिए किसी और व्यक्ति ने धारण किया है और रिलीफ जो है वो डिफेंडेंट के पर्सनल ओबेडियंस के द्वारा पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी इंडिया में है, यानी 3 शर्तें पूरी होती हैं, तो फिर प्लेंटिप को ऑप्शन दिया गया है कि वो 2 में से किसी भी न्यायालय में सूट फाइल कर सकता है, जिस न्यायालय के जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी स्थित है या जिस न्यायालय के जुरिस्डिक्शन में डिफेंडेंट वास्तव में स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है या अपने फायदे के लिए स्वयं काम करता है। प्रोविजन को ऐसे समझिए कि इसमें प्लेंटिव को ये ऑप्शन दिया गया है कि आप उस न्यायालय में वाद ला सकते हैं जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी लोकेटेड है या फिर जिस न्यायालय के जुरिस्डिक्शन में डिफेंडेंट रहता है या कारोबार करता है, अपने लाभ के लिए काम करता है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो है वो डिफेंडेंट ने खुद अपने लिए धारण किया है या फिर उसके लिए किसी और व्यक्ति ने धारण किया है, प्लस जो रिलीफ है डिफेंडेंट के पर्सनल ओबेडियंस के द्वारा हासिल किया जा सकता है, प्लस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है। ये तीनों कंडीशन फुल हो गई तो फिर प्लेंटिव के पास ऑप्शन है कि वो या तो फिर उस जगह पर सूट फाइल करे जिस कोर्ट की जिस न्यायालय की जुरिस्डिक्शन प्रॉपर्टी स्थित है या वहाँ भी कर सकता है अगर चाहे तो, जिस न्यायालय के जुरिस्डिक्शन में डिफेंडेंट वास्तव में स्वेच्छा से निवास करता है, कारोबार करता है या फिर अपने लाभ के लिए काम करता है। Thanks.